खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ी देर में चिदंबरम की दिल्ली की सीबीआई कोर्ट में पेशी। कल रात हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद चिदंबरम की हुई थी गिरफ्तारी। कल रात गिरफ्तारी के बाद से चिदंबरम से अब तक दो दौर में पूछताछ हुई। सूत्रों के मुताबिक चिदंबरम ने सीबीआई जांच टीम को नहीं दिए हैं संतोषजनक जवाब। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के जांच अधिकारियों को ही कानून का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं चिदंबरम। सवाल पूछने पर उल्टा जांच अधिकारी से दागते रहे सवाल। रात में सीबीआई की टीम ने चिदंबरम से करीब एक दर्जन सवाल पूछे। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने पूछताछ में सहयोग नहीं किया। चिदंबरम से जुड़े आईएनएक्स मीडिया मामले के ईडी के जांच अधिकारी राकेश आहूजा का तबादला। जांच का जिम्मा नए जांच अधिकारी को दिया गया। सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को कल रात उनके घर से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले हाई वोल्टेज ड्रामा। दीवार फांदकर चिदंबरम के घर के अंदर पहुंचे सीबीआई अधिकारी। गिरफ्तारी से पहले चिदंबरम ने कल रात लगभग 8:15 बजे कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चिदंबरम का दावा, उन पर लगे आरोप झूठे। एजेंसियों की कार्रवाई को पी चिदंबरम के बेटे और सांसद कार्ती चिदंबरम ने ड्रामा करा दिया। आरोप यह है कि चिदंबरम ने 2007 में वित्त मंत्री रहते हुए आईएनएक्स को गलत तरीके से 305 करोड़ रुपए लेने के लिए एफआईपीबी से मंजूरी दिलाई थी। इसके बदले में 3.90 करोड़ की रिश्वत ली गई। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ईडी के सामने उनकी पूछताछ हो रही है। कोहिनूर मिल आईएलएफएस की 450 करोड़ रुपए की डील में घोटाले का आरोप। पेशी के लिए कड़ी सुरक्षा में मुंबई के बेलार्ड पियर स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे राज ठाकरे। ईडी दफ्तर से थोड़ी दूर पर एक होटल में रुके हैं राज की पत्नी और बेटा। राज ठाकरे की पार्टी के नेताओं का कहना है कि बदले की भावना से उन्हें परेशान किया जा रहा है। 2014 में मोदी के कट्टर समर्थक रहे राज ठाकरे ने 2019 के चुनाव में मोदी और बीजेपी का घोर विरोध किया था। राज ठाकरे की पेशी से पहले मुंबई में एमएनएस के ठाणे से जिला अध्यक्ष अविनाश जाधव और प्रवक्ता संदीप देशपांडे समेत कई बड़े नेताओं की धरपकड़। राज ठाकरे ने एमएनएस कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। कार्यकर्ताओं से ईडी दफ्तर में जमा न होने की अपील की गई। राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे का समर्थन, कहा पूछताछ से कोई ठोस नतीजा निकलने की उम्मीद नहीं। ब्रिटेन में भगोड़े नीरव मोदी की न्यायिक हिरासत आज होगी खत्म। आज लंदन में जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होगा नीरव। सीबीआई ने एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणव रॉय, उनकी पत्नी राधिका रॉय के खिलाफ एफडीआई के नियमों के कथित उल्लंघन मामले में केस दर्ज किया। कंपनी ने आरोप नकारे। दिल्ली के तुगलकाबाद में कल हिंसा और तोड़फोड़ के आरोप में अब तक 91 लोग गिरफ्तार। भीम आर्मी का चीफ चंद्रशेखर कल ही गिरफ्तार कर लिया गया था। दिल्ली में कल भीम आर्मी की अगुवाई में प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की, आगजनी की, जिसमें 15 पुलिस वाले घायल हो गए। कोर्ट के आदेश पर दिल्ली के तुगलकाबाद में रविदास मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ कल भीम आर्मी ने रैली निकाली थी, जिसके बाद हिंसक भीड़ ने उत्पात मचाया। दिल्ली के तुगलकाबाद में कल भीम आर्मी के समर्थकों ने जमकर पत्थरबाजी की थी। रास्ते में आने जाने वालों की कारों को भी निशाना बनाया गया था। फ्रांस, यूएई और बहरीन की यात्रा पर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिलेंगे। भारतीय समुदाय को संबोधित करने का भी कार्यक्रम। मोदी 23 से 25 अगस्त तक यूएई और बहरीन की यात्रा पर रहेंगे। इसके बाद 25 अगस्त को फ्रांस जाएंगे। पाकिस्तान को पानी के लिए तरसाने की तैयारी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा अपने हिस्से के पानी को रोकने की प्रक्रिया शुरू। बिहार के सुपौल में पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा के अंतिम संस्कार के दौरान खुली बिहार पुलिस की पोल। सलामी दे रहे जवानों की राइफल नहीं चली। मुंबई के बोरीवली में बिल्डर और बीजेपी के सांसद गोपाल शेट्टी के दफ्तर के बाहर लोगों का धरना। बिल्डर से परेशान लोगों ने किया प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में 10वें दिन सुनवाई। मामले के पहले याचिकाकर्ता गोपाल सिंह की तरफ से वकील रंजीत कुमार ने की बहस। आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर के वंशज याकूब हबीबुद्दीन का अयोध्या मामले पर बड़ा बयान। कहा अगर राम मंदिर बना तो सोने की ईंट दान करेंगे। नोएडा के सेक्टर 45 की सफायर सोसाइटी की रजिस्ट्री का काम शुरू। नोएडा प्राधिकरण की टीम ने फ्लैट मालिकों के जांचे दस्तावेज।
गोवा में वेस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक, बैठक में हिस्सा लेने गृह मंत्री अमित शाह पणजी पहुंचे। बैठक में हर राज्य के दो मंत्री, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। कश्मीर को लेकर विपक्षी पार्टियों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन, डीएमके ने प्रदर्शन का आयोजन किया था। आईटीबीपी ने जवानों को दिए जाने वाले खाने का लंगर सिस्टम खत्म किया, बफे सिस्टम से मिलेगा खाना। दिल्ली में यमुना का जलस्तर गिरने के 204.95 मीटर पहुंचा, दिल्ली में बाढ़ का खतरा कम हुआ। बिहार के कैमूर में रास्ता न होने के कारण नाव पर बैठकर स्कूल जाने को मजबूर 1200 छात्र, पहले कई बार नाव पलटने से छात्रों की मौत तक हो चुकी है। यूपी के गाजीपुर में गंगा उफान पर गांव में घुसा पानी, जिला प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। गाजीपुर में गंगा का जलस्तर 49 मीटर तक पहुंचा, हालात से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने बनाई 92 बाढ़ चौकियां। यूपी के फतेहपुर में लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश, घरों में पानी घुसने से लोग बेहाल। फतेहपुर में बारिश के चलते एक कच्चे मकान की दीवार गिरी, हादसे में 70 वर्षीय वृद्ध महिला की दबकर हुई मौत। यूपी के वाराणसी में गंगा का जलस्तर 69.97 मीटर पर आकर हुआ स्थिर, लोगों को मिली राहत। यूपी के प्रयागराज में बाढ़ ने धारण किया विकराल रूप, मोहल्लों और गांव में पानी घुसने से लोग बेहाल। यूपी के मिर्जापुर में रेलवे अंडरपास में घुसा बारिश का पानी, राहगीरों को आवाजाही में दिक्कत।